लसोड़ा का पेड़ है और आगे महुआ है, आगे शीशम है। देखिए आपको टेबल दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि कितना पेड़ गिर चुका है और एक जन इंस्पायर हो गए हैं, उनको भी हम दिखाने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसे वीडियो डाले वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत भारी तक बैंक हो चुके हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा बगिया यहाँ पर खाली हो गया है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। पूरा एक तरफ से बगिया, पूरा पेड़ एक तरफ से गिर गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इतना भारी बाउंडर था कि यहाँ पर एक भी पेड़ बचा नहीं है। जो वैसा बचा भी है वो सीधा था, मतलब ज़्यादा वो नहीं था इसके लिए बचा है। बाकी देखिए एक तरफ, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ से बगिया पूरा का पूरा गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से लाइन लगा हुआ है। हुआ है अभी सुबह सुबह काटे थे लोग। ऐसी त्रासदी कभी नहीं आई थी यहाँ पर। जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ यादव बस्ती है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पूरा गांव का, जो भी यहाँ पर पेड़ रहते थे बड़े बड़े वो सब गिर चुके हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे जो आप देखोगे बहुत भयंकर मंजर है। तो चलिए हम आपको पास में लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को। बहुत ज़्यादा तालाब में गिरा हुआ है यहाँ पर एक तरफ से, और एक लोग इंस्पायर भी हो गए हैं। यहाँ पर सुनने में आया कि एक लोग इंस्पायर हो गए हैं। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए पेड़ की हालत, जैसे कोई पकड़ पकड़ के गिरा दिया हो पेड़ को, ऐसे गिरे हैं पूरा चारों तरफ। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरफ पूरा का पूरा बगिया, ये देखिए पूरा एक तरफ पूरा तक बिछाया गया है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक जन इंस्पायर हो गए हैं कल, इसी की वजह से जो तूफान आया था। देखिए इनकी लाश जा रही है, इंस्पायर हो गए हैं, आ रही है इनकी लाश। हम आपको दिखा रहे हैं इस समय लाश आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बेचारे यादव जी थे जो इंस्पायर हो गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उनकी लाश जा रही है, लग रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इंस्पायर हो गए हैं वो, तो गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं लगातार। इसमें हम दिखा रहे हैं कि राम बहादुर यादव जी जो है इंस्पायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर पेड़ गिर गया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। कितना बजे पेड़ गिर गया था उनके ऊपर? कितना बजे गिरा था? साढ़े बारह बजे जब भयंकर आया था। तो हाँ, 12:30। देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ से बगिया पूरा सफा हो गया है, जो कि आपको ऐसे करीब 1-2 किलोमीटर तक ऐसे बाग गिरा हुआ है जो कि आप देख नहीं सकते हो। इतना भयंकर तबाही, ऐसा जिंदगी में
कभी नहीं आया था इस साइड इधर यूपी में, जो कि ऐसा त्रासदी कभी नहीं आया था। एक जन का इंस्पायर हो गए बेचारे यादव जी, वो भी पेड़ के नीचे दब कर, देखिए हम आपको दिखा, बहुत बड़े बड़े पेड़ ऐसे उखड़ गए हैं जैसे मानो जो कागज हो फेंक दिया गया हो, ऐसे उखड़ा हुआ है। वो भी छोटे छोटे नहीं, बहुत मोटे मोटे पेड़ भी उखड़ गए, दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं। चलिए हम उसके पास चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को, और इससे बड़े तो आगे आगे आपको ले चलेंगे। और बड़ी बगिया है उसमें करीब यहाँ 2-3 किलोमीटर तक एक तरफ से लाइन लगा हुआ है पेड़ों का, जो कि गिर गया है। तो चलिए हम आपको आगे भी लेके चले हैं और दिखा दें, बहुत ज़्यादा था आपकी ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं आया था जैसा बड़ी आया हुआ उखड़ चुके हैं, जो कि आप जानोगे नहीं कि ऐसा कैसे उखड़ सकते इतना बड़ा पेड़, जो कि बाउंडर था, इतना बाउंडर भारी, बड़े बड़े पेड़ को भी नहीं छोड़ा। ये देख लीजिए, बड़ी बड़ी नीम का पेड़, मकुआ का पेड़, गूलर का पेड़ और शीशम का, बबूल का पेड़ एक तरफ से ऐसे गिरा हुआ है। ये देखिए एक तरफ से पूरा पूरा बगीचा आपको दिखा रहे हैं। ये लसोढ़ा का पेड़ है और आगे महुआ है, आगे शीशम है और बहुत सारे नीम का पेड़ है, बबूल का है, वो भी दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए टेबल रखा हुआ है, टेबल भी समझ लो टूटने से बच गया है। ये देखिए आपको टेबल दिखा रहे हैं, जो कि पेड़ की घर के ऊपर गिरा हुआ है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं घर के ऊपर गिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आप जिधर भी देखोगे उधर ही पेड़ दिखाई देगा आपको। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं घर के ऊपर गिरा हुआ है, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है घर। ये पक्षियों का घोंसला लगा हुआ था, देखिए पूरा एक तरफ, देखिए घर पर गिरा हुआ है। आपको दिखा दे, बहुत ज़्यादा तबाही आया हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाही। इधर भी देखेंगे चारों तरफ पेड़ गिरा हुआ है, यहाँ पर पूरा इतना भयंकर। वो वीडियो को यहीं पर देता हूँ विराम, अगला वीडियो इसके बाद आएगा, छठा भाग वो लास्ट भाग रहेगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं जैसे वीडियो डालें आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।